दोस्तों फिर से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों टॉपिक क्या है, आज के दोस्तों मैं टॉपिक लेकर आया हूं ये न्यूट्रॉन प्लस की तरफ से एक न्यूडियम स्पीकर, यानी ये 12 इंची के अंदर आता है, 300 वाट का स्पीकर है। इसके करके अभी हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू और कुछ टेस्टिंग जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो नीचे दिए लाल कलर के बटन को जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करें और चल रहे हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आपको सिंपली क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन प्लस की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको। साथ के साथ चलते हैं सीधे सीधे अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आता है हमारा स्पीकर और स्पीकर कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं। और सीधे सीधे चलते हैं इसके क्लोज लुक और इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये फ्रंट से कैसे देखने में लगता है, इसकी पेपर कोन की क्वालिटी कैसी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पे भी आप एक्चुअल में स्पीकर को देख सकते हैं और इसकी पेपर कोन की क्वालिटी तो मतलब लाजवाब सी दे रखी है, ये देखिए। और कुछ इस टाइप से इसकी पेपर कोन की क्वालिटी लग रही है मुझे और अच्छी है, मतलब यानी ये लाइनरी के लिए सफिशियंट है ये पेपर कोन, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और चारकोल गम से यहाँ पे डस्ट कैप को सील कर रखा है, कहीं पे भी मुझे कोई एक्स्ट्रा ग्लू नहीं दिखा, यानी अनफिनिशिंग वाली प्रोडक्ट ये चीज़ मुझे नहीं दिखी यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं फॉर्म लगी हुई है, तो उसको मैंने एक दो बार निकाल के देखा इसलिए आपको थोड़ा सा ये मिट्टी मिट्टी से लगा हुआ देखने को मिल जाता है। और ये यहाँ पे कुछ इसका इस टाइप से फ्रेम डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और सीधे सीधे चलते हैं इसके पीछे, यानी यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग डायनेमिक ऑडियो सॉल्यूशन। और यहाँ पे अभी आपको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है NP12ND75, 300 वाट का ये आपको देखने को मिलता है और ये 8 ओम पे काम करता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनल सॉकेट्स, तो ये टर्मिनल सॉकेट्स की क्वालिटी को आप जान सकते हैं, ये देखिए। और ये यहाँ पे आ गई आपके टर्मिनल्स वायर, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनकी क्वालिटी ठीक लग रही है और ये बाहर का शेल ठीक है, ओके क्वालिटी मुझे लगी। और यहाँ पे तो आपको न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मैं आपको उसका थोड़ा सा स्पैटर की क्वालिटी दिखाता हूँ, तो चलते हैं आगे स्पैटर की क्वालिटी हम देखते हैं। आप स्पैटर की क्वालिटी को देख सकते हैं, तो ये स्पैटर की क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, और ये देखिए। और यहाँ पे आपको चारकोल गम से सील देखने को मिल जाता है, साथ के साथ ये यहाँ पे टर्मिनल्स वायर को भी चारकोल गम से सील कर रखा है। और इसके सेंटर में भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पे अभी देखने को मिल जाती है। और ये क्वालिटी आप स्पैटर के इसकी देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये ऐसा इतना ऊपर जा सकता है, ये देखिए। चलते हैं आगे और आगे मैं आपको उसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पे भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ, यानी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। ये दोस्तों 12 इंची का स्पीकर आता है, इसके अंदर जो वॉइस कॉल दोस्तों लगा रखी है वो है 75.5 mm, यानी 3 इंची की वॉइस कॉल यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। साथ के साथ यहाँ अगर मैं इसकी पावर रेटिंग की बात करूँ तो 300 वाट इसकी RMS पावर है, 600 वाट इसकी पीक पावर है। और यहाँ अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूँ एट माइनस 10 dB पे, तो यहाँ पे आपको 60 से लेके 3500 हर्ट्ज की यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी। यहीं अगर दोस्तों मैं इसकी सेंसिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेंसिविटी जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 97.7 decibel। और बाकी ये तो इम्पीडेंस, इसका जो नॉर्मल इम्पीडेंस है वो 8 ओम पे ये काम करता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं अगर इसकी न्यूडिमियम मैग्नेट की डायमीटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 74/10 ND fab देखने को मिलता है, यानी FEB देखने को मिल जाता है। तो यानी ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशंस हमने देखी, यानी ओवरऑल कंपनी ने हमको स्पेसिफिकेशंस पूरी प्रोवाइड कर रखी है, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छुपा रखी है। तो अब वक्त आता है इसकी टेस्टिंग पे ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा वो हमारे लिए मायने रखता है। तो चलते हैं इसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग पे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस हमें देता है। तो चलिए अभी हम मशीन को लगा चुके हैं, ओवरलोड टेस्ट करेंगे, यानी 6000 इसका मतलब हुआ 600 वाट और एलजिन की है जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे अपना गाना प्ले होगा,
लाइव साउंड सिस्टम वाला यानी ऑर्केस्ट्रा टाइप का। चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मॉनिटर मैंने कहाँ असेंबल करा हुआ है। वो देखिए, वो रखा हुआ है मॉनिटर, तो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। तो अभी हम वहाँ थोड़ा सा दूर जाएंगे उसकी क्वालिटी। तो दोस्तों अभी हम गाना प्ले करते हैं। अब प्ले करने वाले हम डीजे टाइप का सॉन्ग यानी रिमिक्स टाइप का सॉन्ग, तो चलिए प्ले करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये हमने ओवरलोड टेस्ट करा था रेड पीक तक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं दिखाता रहा हूँ, वो अपने भाई तो पकड़े हुए हैं स्थिर से, और ये रहा हमारा स्पीकर। तो लाइनरे के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि मिड हाई बहुत तगड़ी आ रही है इसके अंदर। मिड फ्रिक्वेंसी तो काफ़ी लाजवाब थी जैसे कि आपने देखा, और कुछ इस टाइप से ये हैवी मशीन पर ये हमने चेक करा था। चलते हैं आगे और आगे कुछ दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे कैसे लगी टेस्टिंग? मुझे उम्मीद है पसंद ही होगी, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा इस स्पीकर ने, यानी जिसकी टोन थी वो काफ़ी निखर के आ रही थी। यानी जैसे आपने वो लाइव साउंड सिस्टम का जो क्वालिटी सुनी है ना, वो सॉन्ग जब मैंने प्ले करा था, अगर आप सुन रहे होंगे वो तबली की क्वालिटी, जब वो चाटी पड़ रही थी तो बिल्कुल क्लियर टोन आ रही थी। तो यहाँ पे मेरे को ये क्वालिटी के मामले में तो अच्छा लगा, और क्लियरिटी के मामले में तो काफ़ी अच्छा लगा। आप इसको लाइनरे में यूज़ कर सकते हैं जैसे मेरे नए भाई डीजे हुए, और जो लाइव में यूज़ करना चाहते हैं फॉर लाइनरे पर्पस, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट होने वाला है। यानी अगर आप लाइनरे बनाने जा रहे हैं तो ये स्पीकर ज़रूर जरूर लीजिए। यानी अगर आप ड्यूल के बनाना चाहते हैं 600 वाट इनफ है, और इसके साथ अगर आप आउटडोर में यानी लाइनरे जो हो गए आपके आउटडोर के लिए हो गए, तो उसके अंदर आप यूज़ करें 80 टू 100 वाट्स का एचएफ ड्राइवर, यानी न्यूडियम का एचएफ ड्राइवर आप उसके अंदर यूज़ करिएगा। तो यानी ये स्पीकर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो प्राइस रखी है वो है 7000 रुपीज़। और अगर आपको परचेज करना है तो नीचे मैंने डिटेल्स दे रखी है, मेल आईडी भी दे रखी है, साथ के साथ फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रखा है। और दोस्तों यहाँ पे बात आती है न्यूट्रॉन प्लस की तरफ से एक
छोटी सी मैसेज कि आपको अगर न्यूट्रॉन प्लस का डीलरशिप लेना है यानी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप बनना है तो आपको मैंने नीचे रियल ऑडियो यानी न्यूट्रॉन कंपनी का एक मेल आईडी और एक वेबसाइट भी मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनकी जानकारी लीजिए। और साथ के साथ यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है तो नीचे दिए लाल कलर के बटन में जाकर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज और, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे पाम एग्जीबिशन में कल यानी 30 तारीख को, तो हम वहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं 30 से 31 जून की, तो यहाँ पे मैं तीनों दिन रहने वाला हूँ तो आप मुझसे वहाँ पे आके मिल सकते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जो भाई मेरे मुंबई के आसपास से हों। तो मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।